हिसार बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सफल किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आप तक पहुंचाते हैं सफलता की कहानियां। जी हां, नाम से ही समझ गए होंगे कि सफल किसान कार्यक्रम उन किसानों को मंच देता है जो कि कृषि, पशुपालन या फिर कृषि स्टार्टअप से संबंधित क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहे हैं, अपने लिए नए अवसर खोज रहे हैं, साथ ही अपने आसपास के किसानों के लिए भी तस्वीर बदल रहे हैं, यानी उन्हें भी रोजगार के अवसर मुहैया करा रहे हैं। हमारा मकसद होता है कि इन उभरती हुई प्रतिभाओं के बारे में आपको जानकारी दे ताकि अन्य किसान भी उनसे प्रेरित हो सकें। आज के कार्यक्रम में हम सफलता की कहानी लेकर आए हैं गुजरात के डांग से। तो चलिए चलते हैं गुजरात के डांग और जानते हैं आज के सफल किसान की कहानी के बारे में। हरियाली से भरे खेत में चहलकदमी करते ये है हमारे आज के सफल किसान जयेश भाई। जयेश जी और खेतों के बीच लंबी मित्रता है। जयेश जी अपने 4 एकड़ के खेत में कई तरह की फसलें उगाते हैं, खेत को संजोते हैं और परिवार का भरण पोषण करते हैं। वो बताते हैं कि वो मुख्य रूप से औषधीय पौधे सफेद मूसली की खेती करते हैं। इसके अलावा मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा और रागी भी उगाते हैं। साथ ही खेत के बचे हिस्से में सब्जी फसलें उगा रहे हैं। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जयेश भाई सेहतमंद खेती कर रहे हैं। साल 1995 से शुरू हुआ उनका औषधीय पौधों की खेती का सफर अनवरत रूप से जारी है। मैं फार्मर हूं, खेती करता हूं। खेती में पूरा धान लगाता हूँ, ज्वार, बाजरी, मक्का वगैरह और डांगर वगैरह वो भी खेती करता हूँ। सब्जी में चोई, अड़ा, तुवेर वो भी खेती करता हूँ। ये खेती के साथ वो मेरा एक अलग जो खेती है वो सफ़ेद मूसली है। वो सफ़ेद मूसली का नाम बहुत प्रचलित है और हर दवा में काम आता है। ये सफ़ेद मूसली से अभी ये मेरा खेती आगे बढ़ रही है। तो अभी आपने जाना जयेश जी के बारे में जो कि गुजरात के डांग से संबंध रखते हैं। हालांकि बागवानी के क्षेत्र में भी वो अच्छा काम कर रहे हैं। बागवानी के बारे में आपको और विस्तार से जानकारी दे उससे पहले आपको बताते हैं कि कैसे हमारे आज के सफल किसान यानी जयेश जी म्यूसली की खेती भी कर रहे हैं और इससे उन्हें अच्छा लाभ भी हो रहा है। देखते हैं हमारी रिपोर्ट। सफेद मूसली लिलिएसी कुल का पौधा है जिसकी कई प्रजातियां पाई जाती हैं। खासकर सभी प्रजातियों की जड़ें बाजार में सफेद मूसली के नाम से बिकती हैं। सफेद मूसली को आयुर्वेदिक दवाओं में वित्त और वात रोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद में इसे धातु वर्धक, शील, मधुर, कड़वा, ताकत देने वाला बताया जाता है। ये थकान को दूर करता है और रक्त को शुद्ध करता है, साथ ही दूध वर्धक और हृदय को मजबूत बनाने में मदद करता है। प्रतिदिन यदि 3 ग्राम मूसली का पाउडर दूध के साथ लिया जाए तो मनुष्य का शरीर बलिष्ठ होता है। सफेद मूसली में 42% कार्बोहाइड्रेट, 8 से 9% प्रोटीन, 3 से 4% फाइबर, 2 से 17% सेपोनिन होता है और यही सेपोनिन इसे औषधि गुण प्रदान करता है।
सफेद मूसली का पौधा हिमालय की घाटियों सतपुड़ा अरावली बिहार के पहाड़ी भागों में पैदा होता है। साथ ही राजस्थान के कुछ भागों में गुजरात और महाराष्ट्र के जंगलों में भी पाया जाता है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के जंगलों में रहने वाली आदिवासी जातियां इनके कंधों को खोदकर बाजार में लाते हैं, जिसके कारण जंगलों में से सफेद मूसली नष्ट होती जा रही है और कुछ जंगलों में तो लुप्त प्राय हो गई है। हालांकि अब भी भारत में 9 प्रकार की सफेद मूसली पाई जाती है। इसके पौधे के बारे में बात करें तो सफेद मूसली का पौधा एक बारहमासी पौधा है। इसमें लगभग 6 से 13 पत्तियां भूमि के ऊपर होती हैं। पत्तियां देखने में लहसुन की पत्तियों की तरह लगती हैं। पौधे में फूल का केवल एक ही डंठल 15 सेंटीमीटर ऊंचा निकलता है, जिसमें सफेद फूल लगते हैं, जबकि बीज काले रंग के होते हैं। पौधे की जड़ें ही कंद कहलाती हैं, जो जमीन से निकलती हैं और लगभग 8 से 9 सेंटीमीटर मोटी होती हैं। एक पौधे में औसतन 5 से 30 कंद निकलते हैं, जो कि सफेद रंग के होते हैं, इसीलिए इसे सफेद मूसली कहा जाता है। सफेद मूसली की खेती अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखें कि इसकी नर्सरी तैयार करें और उसके बाद ही इसके पौधे खेतों में लगाएं। जयेश जी भी इसी विधि का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उन्हें अच्छा फायदा भी हो रहा है और अच्छी फसल प्राप्त हो रही है। आइए देखते हैं कुछ और खास बातें। सफेद मूसली की खेती करने के लिए सबसे पहले नर्सरी बनाने के लिए मिट्टी में खाद मिलाकर अच्छी तरह भुरभुरा कर ले और क्यारियां बना ले। इन क्यारियों में ही कंदों को बोया जाता है। बुआई का सबसे अच्छा समय मई जून का माना जाता है। अंकुरण के लिए नमी का खासा ध्यान रखें। कंद 12 से 16 दिन में जमने लगते हैं। जब पौधे तैयार हो जाते हैं तो उन्हें अलग खेत में रोप दिया जाता है। रुपाई करते समय दूरी का खास ख्याल रखें, जिससे पौधों की जड़ों को पर्याप्त स्थान मिल सके। सफेद मूसली है, ये जो सफेद मूसली की जमीन मई महीना में तैयार करना पड़ते हैं। उसका जो ट्रैक्टर का बड़ा चास लेके खेड़ना पड़ता है। उसके बाद में उसका 3x30 फुट का ऐसा पाड़िया बनाना पड़ता है, यानी कि उसका बेड बनाना पड़ता है। बेड बनाएंगे तो ऊपर का जो पानी है वो नितार हो जाता है, उसी लिए सफ़ेद मूसली बेड के ऊपर रोपते हैं तो उसका जो ग्रोथ है वो अच्छा बनता है। सफ़ेद मूसली जून महीने में लगाना पड़ता है, वो 4.5 महीने का पाक है। सफ़ेद मूसली जो है वो 4.5 सितंबर से तैयार हो जाती है। जिसको ज़रूरत है वो उसको निकाल के, उसका छिलटा निकाल के बेच सकते हैं। उसका भाव पहले सितंबर में लगभग 1000 से 1200 के आसपास रहता है। और यहाँ हमारे जो गांव है, गांव में फेरिया दूर दूर से लेने के लिए आते हैं। उसको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है, हाट बाज़ार में भी बेचते हैं, फेरिया भी लेके जाते हैं और व्यापारी भी आते हैं, तो बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं। हमारे किसान प्रतिभाओं के धनी होते हैं। जयेश भी एक ऐसे ही किसान हैं जो कि न सिर्फ खेती करते हैं बल्कि इसके अलावा भी उनमें एक प्रतिभा कूट कूट कर भरी है, जिसकी वजह से वो देश विदेश में अच्छा नाम कमा रहे हैं। जानेंगे इसके बारे में इस छोटे से ब्रेक के बाद। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। ये तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो RBI के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही RBI का ओम्बुड्समैन। RBI कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप RBI के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये RBI का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। आज के सफल किसान में हम आपको सबसे पहले बता रहे हैं गुजरात के डांग से संबंध रखने वाले जयेश जी के बारे में, जो कि बागवानी करते हैं, सफेद मूसली की खेती भी करते हैं और इसके अलावा एक हुनर और भी है जिससे उन्हें देश विदेश में पहचान मिल रही है। आइए जानते हैं उनकी इस प्रतिभा के बारे में भी। कैनवास पर बिखरे ये रंग ग्रामीण जीवन की कहानी बयां कर रहे हैं। खेतों में समय समय पर होने वाली सस्य क्रियाओं को जयेश जी ने अपनी कल्पना के पंख लगाकर बेहद खूबसूरत बना दिया है। महज शौक के लिए बनाई गई इन पेंटिंग की आज देश विदेश तक मांग है। जयेश बताते हैं कि ये पेंटिंग वारली कला से प्रेरित होकर बनाई गई है। हालांकि पहले इन्हें आटे में रंग मिलाकर बनाया जाता था, लेकिन बदलते दौर में एक्रेलिक रंगों का इस्तेमाल होने लगा है। यहाँ हमारा बाप दादा से ये वारली लोग इधर गांव में रहते थे, तो ये पहला धान जो पकता था तो वो दरवाजे के ऊपर वो चित्र बनाते थे, तो वो जो चित्र बनाते थे पूरा गांव देखने के लिए आता, वो देख के जाता, जब भी वो पूरा धान नया पाक खा सकते थे। तो उसके बाद में वो पीढ़ी चला गई, लेकिन हम अभी आए तो ये जो वारली पेंटिंग है वो पहले आटा से बनाते थे, हम अभी कलर से बनाते हैं। कलर से ये एशियन पेंट है, एक्रेलिक कलर है, वो पूरा लेके ऐसा पेंटिंग बनाते हैं कागज के ऊपर, कैनवास के ऊपर। और जो हमारा जो पेंटिंग है, और हमारा पेंटिंग देश विदेश में गया है। स्वस्थ राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे किसान भी स्वस्थ हो, क्योंकि वो हमारे देश की रीढ़ हैं। इसीलिए जयेश जी भी अपने स्वास्थ्य का अच्छा ध्यान रखते हैं और मोटे अनाज को अपने भोजन में शामिल करते हैं। आइए जानते हैं जयेश जी के जीवन से जुड़ी कुछ और खास बातें। खेतों में दिन भर की जी तोड़ मेहनत और उसके बाद सुकून की रोटी, लेकिन जयेश भाई की रसोई में कोई ऐसी वैसी रोटी नहीं बन रही, बल्कि वो मोटे अनाज से बनी रोटी का सेवन करते हैं। इस समय चूल्हे पर चढ़े तवे पर रागी से बनी रोटी पक रही है। रागी हमारे शरीर के लिए कई तरह से फायदेमंद है। रागी में कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, जिसका उपयोग करने पर हड्डियां मजबूत होती हैं। रागी बच्चों व बड़ों के लिए उत्तम आहार हो सकता है। इसमें प्रोटीन, वसा, रेशा व कार्बोहाइड्रेट्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही विटामिन जैसे थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन और जरूरी अमीनो अम्ल की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जो कि शारीरिक क्रियाओं के लिए जरूरी होते हैं। ये रागी की रोटी ही इधर चलती है। ये रागी की रोटी बना के खेत में लेके जाते हैं और उसके साथ जो चटनी है वो उसके साथ भी खा सकते हैं, सब्जी के साथ भी खा सकते हैं, और ये उसमें कैल्शियम ज्यादा है। ये हम उसका आदर डालते हैं, आदर के ऊपर उसका रागी का बीज डालते हैं और वो उखेड़ के वो लाइन में भी रोप सकते हैं और ऐसे भी डाल के रोप सकते हैं। हमारे खेतों से उसमें रागी दो जात के आते हैं, एक वाइट है और एक लाल है, और दोनों में अच्छा है खाने के लिए। और उसमें क्या है, खातर की जरूरत नहीं, ये खातर बिगर की रोटी है बनाई है। जयेश जी बताते हैं कि समय समय पर सरकार का पूरा सहयोग मिला है, यहाँ तक कि ट्रैक्टर पर सरकार से सब्सिडी भी मिली है। आइए अब जानते हैं जयेश जी को कितना मुनाफा प्राप्त होता है। इस मिली जुली खेती से उन्हें काफी लाभ हो रहा है और इसके साथ साथ सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर भी वो अपनी राह आसान कर रहे हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में भी और विस्तार से। जयेश जी बताते हैं कि समय समय पर सरकार का पूरा सहयोग मिला है, यहाँ तक कि ट्रैक्टर पर सरकार से सब्सिडी भी मिली है।
वहीं बेहतर खेती के लिए नवसारी कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने पूरा सहयोग दिया है। चाहे उन्नत किस्म हो या सही रखरखाव, विशेषज्ञ हर समस्या के समाधान के लिए साथ खड़े रहे हैं। जयेश जी अपनी सफल खेती से सालाना 5 लाख तक का मुनाफा कमा लेते हैं। वो बताते हैं उनकी कृषि में औषधीय पौधों की खेती टर्निंग पॉइंट थी, जिसने आय में इजाफा किया। उनकी इस राह में अब वो अकेले नहीं है, बल्कि करीब 3,200 किसान साथ है, जो संगठन बनाकर खेती की बाधाओं को पार कर रहे हैं। ये सरकार से वन औषधीय बोर्ड से उसके लिए सब्सिडी भी है, बागात से भी सब्सिडी है, उसके लिए दो जगह से सब्सिडी मिल रही है। और मार्केटिंग की कोई चिंता नहीं, कारण कि उसमें खातर की जरूरत नहीं, रोग उसमें आता नहीं, रोग रुकावट कुछ है ही नहीं। और ये सफेद मछली है, 3 साल तक एक खेत में कर सकते हैं, 3 साल के बाद खेतर चेंज करना पड़ता है। सफल किसान में इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको ले चलेंगे गुजरात के नवसारी, जहाँ के हमारे दूसरे सफल किसान नर्सरी से अपने जीवन में बदलाव ला रहे हैं, यानी नर्सरी से ना सिर्फ अच्छी पौध मुहैया करा रहे हैं, बल्कि वो अपनी आमदनी में वृद्धि कर पा रहे हैं। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। ये हमारे दृढ़ संकल्प है, मोदी जी को सिर्फ धन्यवाद ही नहीं, मैं मोदी जी को प्रणाम करता हूँ कि ऐसा भारतवर्ष में पहली प्रधानमंत्री बना जो किसान का अंतिम व्यक्ति तक इसका लाभ पहुँच रहा है। और हमें लाभ लेना चाहिए, ये मौका हमें बार बार नहीं मिलेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। सफल किसान के इस भाग में हम आपकी अब मुलाकात करवाएंगे कमलेश कुमार जीवन भाई पटेल से, जो कि नवसारी में नर्सरी के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ, इस नर्सरी से वो अच्छे पौध किसानों तक पहुंचा रहे हैं, जिससे किसानों के बीच उनकी लोकप्रियता भी बढ़ती जा रही है और अन्य किसानों को भी इससे काफ़ी लाभ हो रहा है। आइए जानते हैं कि किस तरीके से वो नर्सरी के क्षेत्र में अपना लाभ बढ़ा रहे हैं, अपनी पहचान बना रहे हैं। खूबसूरत फूलों के बीच सजी इस नर्सरी के मालिक है कमलेश भाई, जो बीते 10 सालों से इसे संवारने का काम कर रहे हैं। उनकी मेहनत पौधों की रंगत देखकर ही पता चल जाता है कि किस तरह से वो इसका रखरखाव करते हैं। वो बताते हैं कि इस समय उनकी नर्सरी में करीब 500 प्रकार के पौधे उपलब्ध हैं। हालांकि शुरुआत में ये आंकड़ा काफी कम था, लेकिन नवसारी कृषि विश्वविद्यालय से प्रशिक्षण लेने के बाद काम में सुधार भी आया और रफ्तार भी। इसीलिए तो आज कमलेश जी के पौधे गुजरात के साथ साथ दिल्ली, राजस्थान, मुंबई, मध्य प्रदेश तक में सप्लाई हो रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, जिसमें पौधों की जानकारी से लेकर ऑर्डर लेने और सप्लाई करने का सारा सफर आसान हो जाता है। मैं 10 साल से ये नर्सरी कर रहा हूँ और नवसारी कृषि यूनिवर्सिटी
एग्रीकल्चर होरिजेंटल डिपार्टमेंट चावला साहब के अंदर हमने ट्रेनिंग ली और तब से ज़्यादा कर रहे हैं। नर्सरी में वैसे तो 2500 की वैरायटी होती है, पर हमारे गांव में 500 के आसपास की वैरायटी मिल रहती है। ये जैसे कि ड्रेसिना, क्रोटन, चंपा, हेलिकेन्या, बिगोनिया, तुलसी, गौड़ी चौड़ी, टिकोमा, एरिका पाम, बोटल पाम, ये सभी 5 फुट से 2 फुट से 5 फुट 10 फुट तक के पौधे मिल सकते हैं हमारे यहाँ। फ्रूट में आमा कलम का मिल रहता है, और दूसरा फ्रूट का प्लांट चाहिए तो वो हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है, पर सभी प्रकार के फ्रूट यहाँ मिल रहते हैं। और किसी को भी इसकी शुरुआत करनी हो तो थोड़ा थोड़ा प्लांट खरीद के उसको मदर प्लांट बनाना पड़ता है पहले, तो इसमें से कटिंग लेके पॉलीटनल में बैग भर के रखने की है, उसके उसको कटिंग डालने का है, वो 20 दिन में तैयार हो जाएगा। इसके बाद उसकी बैग चेंज करके छोड़ देने का है और 3 महीने में वो तैयार हो जाएगा। कटिंग काट के डालने से छोड़ बीतने तक 6 महीने का वक्त निकल जाता है। जो बड़ी बैग बनाए तो छोटी बैग के लिए तो 1 महीना ही काफ़ी है। और मिट्टी में नमी कितनी है वो देखनी पड़ती है, इसके हिसाब से पानी देना पड़ता है। वैसे तो पॉली टनल है, इसमें पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती ही नहीं, पर फिर भी देखना पड़ता है और फंगस की भी देख रेख रखनी पड़ती है। हमने एक नर्सरी का ग्रुप बनाया है, मीडिया ग्रुप, जिसमें हम हमारा जो प्लांट तैयार होता है जो उसको हम ग्रुप में बेचते हैं। जिसको ज़रूरत होती है, जिसके पास व्यापारी आता है उसको बता दें कि वहाँ पर आपको मिल जाएगा, वहाँ व्यापारी हमारे पास आके लेकर जाते हैं। कमलेश भाई अपने क्षेत्र में गुणवत्ता युक्त और स्वस्थ पौध के लिए जाने जाते हैं, और इसके पीछे एक वजह है कि वो नेट हाउस और पॉली हाउस में नर्सरी तैयार करते हैं। इस विधि से कैसे उन्हें फायदा होता है और कैसे अन्य किसान भी इसे अपना सकते हैं, आइए जानते हैं। नर्सरी बनाने के लिए पॉली टनल और नेट हाउस जरूरी है, इसके लिए सरकार सब्सिडी देती है। पॉली टनल में कोई भी सीजन में कोई भी प्लांट हम तैयार कर सकते हैं, और छोटे बैग में तैयार करके बड़ी बैग में चेंज करके उसको हम बेचने के लिए तैयार रख सकते हैं। बेचने के लिए व्यापारी घर पे ही आते हैं, दिल्ली, मुंबई, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सभी जगहों पर यहाँ से माल जाता है। कहते हैं एक आइडिया, एक विचार आपका जीवन बदल सकता है। कमलेश भाई के साथ भी ऐसे ही हुआ। आइए जानते हैं कि आखिर उन्हें आइडिया कैसे आया कि वो नर्सरी से भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव कर सकते हैं या फिर इस क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं, इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। कमलेश जी की 2 बीघा में फैली नर्सरी उन्हें उनके शिक्षक से विरासत में मिली है। पहले उनके शिक्षक इसे संभाला करते थे, लेकिन उनके जाने के बाद पूरी जिम्मेदारी कमलेश जी पर आ गई, जिसे उन्होंने बखूबी संभाला भी और बढ़ाया भी। कमलेश जी का मानना है कि आज का युवा सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करके और ट्रेनिंग लेकर बेहतर काम कर सकते हैं। हमारे यहाँ 5 लोग काम करते हैं, और शुरुआत करनी हो एरिया 2 बीघे में करते हैं हम। हमारा ये नर्सरी मैंने ट्रेनिंग ली, इससे पहले हमारे यहाँ एक शिक्षक थे अमृत भाई छोटू भाई पटेल, जो आज नहीं है, पर शायद उन्होंने 1990 में के आसपास चालू की थी ये नर्सरी। उन्हीं की देन है, उन्हीं के हम आभारी हैं। युवाओं को मैं यही बताऊंगा, ये नर्सरी का है वो देखें, और लैंडस्केपिंग यानी गार्डनिंग से सब यहाँ काम मिलता है। नौकरी नहीं मिले तो भी नौकरी से भी अच्छा हम कमा सकते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए सही मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है।
कमलेश भाई को भी सही मार्गदर्शन मिला, इसी वजह से वो आज इस मंजिल तक पहुंच पाए हैं। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है नवसारी कृषि विश्वविद्यालय की। आइए जानते हैं कि यहाँ के कुलपति कैसे युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं। नवसारी कृषि यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन एजुकेशन को पर ऊपर बहुत जोर देती है। आपने शायद देखा होगा कि हमारे ये किसानों के पास जो यूनिवर्सिटी के बारे में जो जानकारी है वो इसी की वजह है, उसी का परिणाम है। तो हमारे पास आज हमारे पूरे इस यूनिवर्सिटी जुरिडिक्शन में हमारे पास 5 केवी केस है, केवी केस किसान कृषि विज्ञान केंद्र, और 2 जो है वो एक गुजरात यूनिवर्सिटी का और एक बायफ का, मतलब 7 जिले में 7 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत है। अभी इसकी पहली शुरुआत बहुत पहले 1978 में सरदार स्मृति केंद्र यहाँ एक सेंटर है, जहाँ पे हम किसानों के लिए बहुत सारी जो भी माहिती उनको देना है, जो भी टेक्नोलॉजी देना है, उसके फोटोग्राफ हो, उसके स्कल्पचर हो, उसके जो वैरायटीज के जो दाने हो, उस सब उसको डिस्प्ले किया है। और इसी ये पब्लिक प्राइवेट मोड पे किसानों के पैसे से ये सरदार स्मृति केंद्र बनाया है। और हमारे पास यूनिवर्सिटी इलाके में 17 सेंटर पे जो टेक्नोलॉजी से सज हमारे खेत भी हो, टेक्नोलॉजी भी हो, उसका हम किसानों को बताने के लिए हमारे 17 सेंटर चल रहे हैं। हम जहाँ तक एक्सटेंशन का सवाल, हम 9 तरीके के अलग अलग सर्टिफिकेट कोर्स भी चला रहे हैं, 14 और विभिन्न तरीके के शॉर्ट टर्म कोर्स भी हम चला रहे हैं, वोकेशनल कोर्सेज भी संचालित हो रहा है, इसी माध्यम से हम एक्सटेंशन का काम कर रहे हैं। हमारा मेन फोकस जो है वो तो ये था हमारा आज का सफल किसान, जिसमें आज हमने आपकी मुलाकात करवाई गुजरात के डांग और नवसारी से संबंध रखने वाले 2 सफल किसानों से। आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं या फिर आप चाहते हैं किसी किसान की कहानी हम कार्यक्रम में शामिल करें, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें, सफल किसान कमरा नंबर 77 CPC दूरदर्शन खेलगांव नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हम इंतजार रहता है। आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को और बेहतर करने में मदद करते हैं। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाजत। सफल किसान में कुछ और सफलता की कहानियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।